गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और यह वीडियो जो है आप सभी क्लास के लिए है और सीटेट जितने भी कंपटीशन एग्जाम में जो इंग्लिश पूछे जाते हैं उनके लिए है। अब हम पहला जो है टेंस के बारे में बता चुके हैं और सारा जो है एडजेक्टिव वर्ब के स्टेबल ये बहुत सारे बता चुके हैं। अगर यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारा वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। और इसमें से जो वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो आप कृपया करके आप समय निकाल के थोड़ा सा इसमें समय देकर एक एक वीडियो करके आप देखकर कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वह कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो हम लोग सबसे पहले जो है किसी टेंस को हम को किस प्रकार से जानेंगे कि ये टेंस जो है कौन सा टेंस है। सेंटेंस तो बहुत सारा रहता है, तो हम सबसे पहले जो जो वाक्य दिया हुआ रहता है उस वाक्य को यदि हम पहचान लेंगे तो हम उसमें करंट टाइम को हम जो है पढ़कर और उसको सेंटेंस को पढ़कर समझ लेंगे कि ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो हम लोग टेंस को वाक्य को पहचानने के लिए सीखेंगे पहले, तो पहचानने का क्या रूल है वो जानेंगे। पहचान क्या है वाक्य का, तो हम लिखेंगे यहां पर पहचान है क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे हैं। अगर जिस ऐसे इस तो हम शॉर्ट करके लिखा रहे हैं, नियम है इसका, पहचान का नियम जो है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। ये पहचान के लिए हो गया मेरा, ये तीनों जो है मेरा अंतिम में वाक्य के अंत में ये मेरा रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये मेरा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। हम जब पहचानने के लिए सीख गए तो हम जैसे में देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पर ये वर्ड्स रहता है। जैसे में देखिए आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, ये देखिए मेरा यहां रहे हैं। दूसरा है मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, देखिए रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं वह लिख रही है, लिख रही है, देखिए रही वाला है। तो हम जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है रही है रहे हैं रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ये आप जान गए। अब हम बनाने का जो नियम है उसको सीखेंगे, किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी देखेंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मेरा तीन तरह का आता है, एम इज और आर, ये मेरा जो स्ट्रक्चर है बनाने का। अब जो है एम किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है, ये जो वर्ब फोर लिखे हैं ये हम जो है ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वर्ब में केस्टेबल में भी बता चुके हैं। और कौन सा जो केस्टेबल में जो किसके साथ कौन सा लगे, आई के साथ एम लगता है,
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है और प्लूरल के साथ आर लगता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर जो नए हैं तो आप उस पिछला वीडियो को देख लीजिए, आर अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अब आगे बढ़िए। तो ये जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फोर और ऑब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी हम पढ़ा रही है, वर्ब कितना प्रकार का होता है, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, कौन कौन सा वर्ब होता है वो भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है और मेन वर्ब जो है मेरा वी वर्ब फोर है। तो अब हम जो है एग्जाम्पल को कुछ जो एग्जाम्पल है उसको हम लिखते हैं और हम सेंटेंस को बनाने के लिए हम समझते हैं। तो देखिए वह मैं पहले एक सेंटेंस था, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में मैं जा रहा हूँ तो हम यहाँ लिख दिए आई, सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर लिख दिए आई, आई के साथ क्या लगता है तो आई के साथ एम लगता है, एम लिख दिए। उसके बाद वर्ब फोर है, तो वर्ब फोर होता है सब में जितना जो वर्ब है उसमें आई एन जी लगा हुआ वो वर्ब फोर होता है। तो यहाँ पर मेरा जाने का काम हो रहा है, गो है तो गो में आई एन जी लगा देंगे, वर्ब फोर बन गया मेरा, आई एम गोइंग, कहीं जा रहा है तो आई एम गोइंग। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं, रीना पत्र लिखती है, पत्र लिख रही है। ठीक है, तो रीना आर आई एन ए रीना हो गया मेरा सब्जेक्ट, रीना के साथ क्या लगेगा, रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है, लिख दिए। लिखने का है तो लिखने का वर्ब फोर होता है राइटिंग। क्या लिख रही है, देखिए यहां सब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट लिख दिए और हेल्पिंग वर्ब में आई इज लिख दिए और भी वर्ब फोर में वर्ब फोर लिख दिए। अब मेरा ऑब्जेक्ट है, इस दूसरा सेंटेंस में जो पहले हम एग्जांपल दिए थे उसमें ऑब्जेक्ट मेरा नहीं था, इसमें ऑब्जेक्ट है। लिखने का क्या काम, क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है तो राइटिंग ए लेटर, एक पत्र लिख रही है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट आपको रहेगा तो आपको लिखना है, नहीं रहेगा तो नहीं लिखना। तुम हंस रहे हो। तुम हंस रहे हो, तो देखिए यू, तुम का यू होता है, यू लिख दिए, यू के साथ आर लगता है, आर लिख दें, यू आर। हंसना का लाफ होता है तो वर्ब फोर में लाफिंग हो गया, एल ए यू जी एच आई एन जी, लाफिंग। इसमें मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिखे। चलिए ये जो हो गया मेरा, और एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, ठीक है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, यहां वर्षा जो है, वर्षा होना यह ऑलरेडी वर्ब है, हो रही है, वर्षा हो रही है ऑलरेडी है। तो आप, हम एक वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि किसी वाक्य में अगर यदि आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आए, तो अगर यदि वह निर्जीव पदार्थ का बोध हो रहा हो तो हम लोग जो है इट से शुरू करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम ऑलरेडी सब्जेक्ट को हम बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा नजर नहीं आ रहा है तो हम सब्जेक्ट इसमें बना लेंगे, तो इट से शुरू करेंगे, आई टी इट, तो इट के साथ इज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इट इज रेनिंग, आर ए आई एन आई एन जी रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ये मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।